हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज लोधी। हम इनसाइट आईएएस डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज है 16 अगस्त और सबसे पहली न्यूज़ उत्तराखंड से है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पहली बार खुद को काउस के लिए लीगल गार्जियन डिक्लेयर किया है। इसके अलावा उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन भी दिए हैं। फिर से बोलता हूँ, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पहली बार काउस के लिए खुद को लीगल गार्जियन के तौर पर डिक्लेयर किया है। इसके अलावा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शन भी दिए हैं। ये इंडिया में पहली बार है कि किसी कोर्ट के द्वारा पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया गया है काउस के प्रोटेक्शन के लिए। बात करते हैं पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन के बारे में। तो पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन ये एक लैटिन टर्म है जिसके मुताबिक कोर्ट के पास ऐसी इनहेरेंट पावर होती हैं, ऐसी अथॉरिटी होती हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो खुद की देखभाल नहीं कर सकती हैं, तो कोर्ट खुद को उनका गार्जियन डिक्लेयर कर सकता है। तो यही होती है आपकी पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन, या आप इसको देश के माता पिता भी बोल सकते हैं, जिसके मुताबिक जो असमर्थ लोग होते हैं, जो कि इनकैपेबल होते हैं, खुद की देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट उनके अभिभावक के तौर पर काम करने लगता है, पेरेंट्स के तौर पर काम करने लगता है। बात करते हैं कि इस जजमेंट आने के बाद इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। तो इम्प्लीकेशन में यही है कि अब जो काउज हैं, कोर्ट उनके लिए लीगल गार्जियन की तरह काम करेगा। कोर्ट अब काउज के लिए स्पेशल डायरेक्शन दे सकता है उनके प्रोटेक्शन से जुड़े हुए। इसके अलावा यदि काउ से जुड़े हुए रूल्स रेगुलेशन का वायोलेशन होता है, तो कोर्ट सुओ मोटो बेस पर, मतलब स्वतः संज्ञान ले सकता है और डायरेक्शन दे सकता है स्टेट के लिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक PIL डाली गई थी जिसमें बात की गई थी कि जो काउस के स्लॉटर हाउस हैं, उनके जो भी वेस्ट मटेरियल हैं, वो वाटर बॉडी में डाले जा रहे हैं और इससे हेल्थ का बहुत ज़्यादा थर्ट है। ऐसे में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने आप को पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन के तहत अब काउस के लिए अभिभावक डिक्लेयर किया है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने कुछ स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ डायरेक्शन भी दी हैं। हम इनकी भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट का कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो भी सिविल बॉडी हैं, अब वो काउस के प्रोटेक्शन के लिए 1 साल के अंदर अंदर गौशाला या गौसदन का निर्माण कराएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि काउस के लिए शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे। दूसरी बात इसमें की गई कि जो गौशाला या शेल्टर हाउस होंगे, उन पे इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई के लिए कोई भी कमर्शियल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इसमें आगे बात की गई कि ऐसे लोग जो काउस को खुले में छोड़ जाते हैं किसी स्ट्रीट पर, रोड पर, किसी पब्लिक प्लेस पर, जो गाय हैं, बछड़े हैं, यदि इनको कोई पर्सन उनको खुला छोड़ के चला जाता है, तो क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, इसके अलावा उत्तराखंड प्रोटेक्शन ऑफ काउ प्रोजेनी एक्ट 2007 के मुताबिक उत्तराखंड गवर्नमेंट उस पर्सन के अगेंस्ट में केस रजिस्टर्ड करेगी। इसके अलावा इसमें हाई कोर्ट का कहना था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक स्पेशल स्क्वाड बनाएगी जो कि DSP रैंक से नीचे का अधिकारी उसमें नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा एक वेटनरी डॉक्टर भी नियुक्त किया जाएगा काउस के प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें सबसे आखिरी में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि अब उत्तराखंड स्टेट में काउस, बुल्स, बुलक्स, हीफर्स, काफ्स, कहने का मतलब ये हुआ कि गाय, बैल, बछिया, बछड़ा, ये जो सारी चीज़ें हैं, अब इनकी उत्तराखंड स्टेट में स्लॉटरिंग नहीं की जाएगी। इनके बीफ प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर सकते। तो ये था हमारा उत्तराखंड के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने खुद को काउस के लिए अभिभावक डिक्लेयर किया है, लीगल गार्जियन डिक्लेयर किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ महादाई रिवर के बारे में है। अभी हाल ही में महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने महादाई रिवर को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया है। सबसे पहले मैं आपको महादाई रिवर के बारे में बताता हूँ।
फिर बताऊंगा कि डिस्प्यूट क्या था और अभी हाल ही में क्या डिसीजन आया है। देखिए, जो महादाई रिवर है इसको मांडोवी रिवर भी बोलते हैं। ये गोवा, हमारे इंडिया में जो गोवा स्टेट है उसकी इसको लाइफलाइन भी बोला जाता है। महादाई रिवर या मांडोवी रिवर तीन स्टेट में फ्लो करती है, आपका कर्नाटक, गोवा एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ये तीन इसके रिपेरियन स्टेट हैं। इसकी टोटल लेंथ 77 किलोमीटर है, इसमें से 29 किलोमीटर ये कर्नाटक में फ्लो करती है, 52 किलोमीटर ये गोवा में फ्लो करती है। महादाई रिवर कर्नाटक के बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट से ये निकलती है और जैसा मैंने बताया कि ये कर्नाटक और गोवा से होते हुए फ्लो होती है। और इसका जो रिपेरियन स्टेट हैं उसमें तीन स्टेट हैं, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि जो महादाई रिवर है ये गोवा स्टेट के लिए इसको लाइफलाइन बोला जाता है। कर्नाटक में महादाई रिवर के अलावा एक और रिवर है, मालप्रभा रिवर। तो मालप्रभा रिवर में वाटर थोड़ा कम रहता है, तो कर्नाटक की गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेके आई थी, कालसा भंडूरी नाला प्रोजेक्ट, जिसमें महादाई रिवर का जो वाटर था उसको डाइवर्ट किया जा रहा था मालप्रभा रिवर में। बहरहाल, इसका गोवा के द्वारा बहुत ज़्यादा अपोज हो रहा था। उसका कहना था कि हमारे लिए ये रिवर लाइफ लाइन है और यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे हमारे इधर पे वाटर की क्राइसिस हो जाएगी। तो इस डिस्प्यूट के तहत इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट यूज़ किया गया और इसमें इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट का यूज़ करते हुए इसमें आपका ये बनाया गया था, महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया। और इस पे अभी हाल ही में इस ट्रिब्यूनल ने अपना फाइनली वर्डिक्ट दिया है, जिसके मुताबिक अब जो गोवा है उसको 24 TMC फिट पानी मिल सकेगा, कर्नाटक को 13.4 TMC फिट पानी मिल सकेगा और जो महाराष्ट्र है उसको 1.33 TMC फिट पानी मिल सकेगा। ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से बोले देता हूँ कि इसमें जो गोवा है उसका शेयर सबसे ज़्यादा है, उसको 24 TMC फिट पानी मिल सकेगा। अभी हाल ही में जो महादाई वाटर ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग गोवा को 24 TMC फिट, कर्नाटक को 13.4 TMC फिट और महाराष्ट्र को 1.33 TMC फिट पानी दिया जा सकेगा। इसके अलावा ये जो ट्रिब्यूनल है इसने बोला है कि महादाई वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी ताकि जो वाटर ट्रिब्यूनल का वर्डिक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये था हमारा महादाई रिवर के बारे में, जिसमें आप ध्यान रखिएगा महादाई रिवर को मांडोवी रिवर भी बोला जाता है और इनमें जो डिस्प्यूट चल रहा था हमने उसके बारे में डिस्कस किया। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ जो अडॉप्शन प्रोग्राम था उसको फिर से रिकमेंस कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने हेग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इंडिया से जो अडॉप्शन किया जाता है बच्चों का उसको रिकमेंस करने का फिर से डिसीजन लिया है। हुआ ऐसा था कि इंडिया की जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि मतलब इंडिया में इंटर कंट्री अडॉप्शन को प्रमोट करते थे, तो इन पे ऐसे एलिगेशन थे कि ये ट्रैफिकिंग कर रहे हैं बच्चों की, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने इसमें होल्ड कर दिया था अडॉप्शन की प्रोसेस को। अभी फ़िलहाल में ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने फिर से हेग कन्वेंशन के मुताबिक इंटर कंट्री जो अडॉप्शन होता है तो अब उसको इंडिया के साथ रिकमेंस कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ऑस्ट्रेलिया की जो कपल हैं वो इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अडॉप्शन प्रोसेस में लगे हुए हैं उनके साथ बच्चे का अडॉप्शन किया जा सकता है और ऐसे कई सारे जो बच्चे हैं उनको अब एक अच्छा घर मिल सकेगा और ऐसे माता पिता जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं वो इंडियन ओरिजिन के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को इनेक्ट किया गया है। इसके अलावा अडॉप्शन रेगुलेशन के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन लाए गए थे 2017 में। इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटर और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वीमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कॉन्स्टेंटली इन
रूल्स को, और ये जो एक्ट है इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी बातों को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं। तो हम हमारी कंट्री में जो सेंट्रल अडॉप्शन बॉडी है इसके बारे में बात कर लेते हैं, और हम हेग कन्वेंशन के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम कारा के बारे में बात कर लेते हैं। कारा, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ WCD के तहत काम करने वाली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और हमारी कंट्री में ये अडॉप्शन के लिए एक नोडल बॉडी की तरह काम करती है। ये इन कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शन होता है तो उसको मॉनिटर और रेगुलेट करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमारी कंट्री के अंदर ही यदि कोई कपल किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, और दो डिफरेंट कंट्री मतलब इंडिया और किसी अदर कंट्री के साथ में यदि अडॉप्शन किया जाता है, तो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, ये जो बॉडी है ये नोडल बॉडी की तरह काम करती है इंडियन चिल्ड्रन के अडॉप्शन के लिए। कारा हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन के जो प्रोविज़न है उसके साथ कंप्लाइंस करती है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1993 में ये हेग कन्वेंशन आया था, और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको 2003 में इसको रेटिफाई कर दिया गया था। तो ये था हमारा कारा के बारे में। हम हेग कन्वेंशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। हेग कन्वेंशन, जैसा मैंने बताया, ये 1993 में लाया गया एक कन्वेंशन था, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें ऐसे बच्चे जिनका एबडक्शन कर लिया जाता है और उनको ऐसी जगह पे रहने को मजबूर कर दिया जाता है जो वहाँ पे वहाँ रहना नहीं चाहते, तो ये उनको प्रोटेक्शन करती है। हेग कन्वेंशन ऐसी फैमिलीज और ऐसे बच्चों का भी ऐसे रिस्क से बचाव करती है कि इलीगल, इरेगुलर और प्रीमेच्योर या फिर इल प्रिपेयर्ड अडॉप्शन होता है अब्रॉड में, तो ऐसे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे हैं यदि उनका इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग के थ्रू यदि उनका अडॉप्शन किया गया हो, या जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे के लिए अडॉप्शन करना चाह रहे हैं तो यदि उनको मिसगाइड करके गलत तरीके से अडॉप्शन प्रोसेस कराई जाती है, तो हेग कन्वेंशन में ऐसे रूल्स और रेगुलेशन हैं जो कि इनके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। देखिए, जब कोई कपल इंटर कंट्री में मैरिज होती है, मतलब दो डिफरेंट कंट्री के कपल मैरिज करते हैं, तो ऐसे में फिर उनके बीच में जो बच्चे होते हैं, और यदि उनके बीच में तलाक वगैरह होता है, डाइवोर्स होता है, तो एक पेरेंट्स बच्चे को लेके किसी अदर कंट्री में चला जाता है और जो दूसरा पेरेंट्स है वो किसी अदर कंट्री में रह जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका मेंटल स्टेटस आप समझ सकते हैं, उसको एक ऐसे कल्चर में रहना पड़ता है जो कि वो रहना नहीं चाहता। ये बहुत ज़्यादा एक गंभीर मसला है, और इसी को हेग एबडक्शन कन्वेंशन कहते हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें साइन नहीं किए हैं, और गवर्नमेंट ने जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो अपनी रिकमेंडेशन देगी कि किस तरीके से हेग एबडक्शन कन्वेंशन के जो भी कॉन्सेप्ट हैं इनको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, फ़िलहाल मैं कंटेक्स्ट ये था कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसने इंडिया के साथ जो अडॉप्शन प्रोग्राम है उसको होल्ड पे रखा था, अब उसको फिर से रिकमेंस कर दिया गया है, जो कि हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन के मुताबिक होगा। हमने इसमें कारा के बारे में बात की, जिसमें मैंने बताया कि कारा हमारी कंट्री का सेंट्रल अडॉप्शन बॉडी है, एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ WCD के तहत काम करती है, और ये हेग कन्वेंशन के साथ कंप्लायंस काम करती है। और हमने हेग कन्वेंशन की भी बात की कि हेग कन्वेंशन आपका 1993 में आया था, और ऐसे बच्चे और ऐसे पेरेंट्स जिनका यदि इलीगल और इरेगुलर प्रीमेच्योर इल प्रिपेयर्ड अडॉप्शन होता है अब्रॉड में, तो ये उनके उनका बचाव करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ US स्पेस फोर्स के बारे में है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री की छठवीं आर्म के तौर पर स्पेस फोर्स बनाने का बोला है। डे बाई डे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ऐसे में स्पेस फोर्स बनाने की बात हो रही है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि स्पेस वॉर क्या होता है, और फिर हम स्पेस फोर्स की बात करेंगे। देखिए, वेरियस कंट्री जैसे कि चाइना है या रशिया है तो और US, तो ये लोग ऐसे वेपन्स बना रहे हैं, ऐसे सैटेलाइट्स बना रहे हैं ताकि जो अदर कंट्री के जो सैटेलाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। अमेरिका ने आपका इराक पे अटैक किया, या अदर कंट्री किसी पर भी अटैक करती है तो
तो जो भी एयरक्राफ्ट हैं, जो भी वेपन्स हैं, ये जीपीएस बेस्ड होते हैं, मतलब इनमें जीपीएस की ही हेल्प ली जाती है। जैसे कि पाकिस्तान में ओसामा को मारा गया, तो ये सब सारी चीज़ें जीपीएस से कनेक्टेड थी, कहीं तभी जाके पता लगा कि कहाँ पे उनकी लोकेशन थी और उन पे अटैक किया गया। तो स्पेस वॉर के तहत अदर कंट्री अपनी जो अपोनेंट कंट्री है उसके सैटेलाइट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि जो जीपीएस है वो सारा चीज़ नष्ट की जा सके। इसके तहत अभी हाल ही में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मिलिट्री की छठवीं आर्म के तौर पर स्पेस फोर्स बनाने की बात कही। अभी हाल ही में नासा ने बोला है कि जो यूएस की स्पेस फोर्स है हम उसको पूरा सपोर्ट देंगे, लेकिन नासा से उसका रोल अलग रहेगा। जैसा मैंने बताया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेस फोर्स की एक छठी आर्म बनाने का बोला है, ये हालांकि काफ़ी डिफरेंट आर्म होगी और इसमें मिलिट्री लीडर्स और जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपने क्वेश्चन रेज किए हैं इस न्यू सर्विस ब्रांच के ऊपर। यूएस स्पेस फोर्स मिलिट्री के स्पेस फोर्स होगी, 2020 तक इसको तैयार किया जाएगा। इसमें जिस तरह से यूएस की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मरीन, कोस्टल गार्ड हैं, इसी तरह से एक अलग स्पेस फोर्स बनाई जा रही है। हालांकि ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है इसको यूएस की कांग्रेस का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। देखिए जो एलीट ग्रुप्स है जिसमें आपका चाइना है, रशिया है, जो कि स्पेस को कैप्चर करते जा रहे हैं और वेरियस ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में ये एक स्पेस ऑपरेशन फोर्स बनाई जाएगी जो कि वॉर फाइटर्स का एक एलीट ग्रुप होगा, जो कि स्पेस के डोमेन में स्पेशलाइजेशन हासिल होगा। इसमें कुछ पुरानी बातें भी दी गई हैं कि यूएस के जो एडवर्सरी हैं रशिया और चाइना, ये ऐसे वेपन डेवलप कर रहे हैं, ऐसे जैमर्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो सैटेलाइट की फंक्शनिंग है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, किया जा सके। 2007 में चाइना ने एक ऐसे सैटेलाइट 2007 में चाइना ने अपने ही सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और रशिया ने भी ऐसे मिसाइल का टेस्ट किया था। रशिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का लॉन्च किया था, मतलब सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए उसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया था। तो इससे जो अदर कंट्री हैं स्पेशली यूएस, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट हो गया है। और यूएस ने, हालांकि सभी कंट्री ऐसा लगे हुए थे जो स्पेस फोर्स है उसको बनाने के लिए, लेकिन अब जो अमेरिका है उसने ओपनली बिल्कुल बोल दिया है कि यूएस की जो 6 ब्रांच के तौर पर हम एक स्पेस फोर्स तैयार करेंगे। हालांकि 1982 से एयरफोर्स की एक ब्रांच के तौर पर इस तरीके से काम ऑलरेडी चल रहा है। देखिए स्पेस फोर्स बनती है तो इसमें, मतलब मैंने आपको बताया, सबसे पहला तो इसके स्पेस फोर्स के काम में एक तो ये होता है कि जो सैटेलाइट होती है उसकी हैकिंग कर दी जाती है, जो सैटेलाइट है उसकी फंक्शनिंग को आप रोक दीजिए तो किसी भी कंट्री का जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट अटैक, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि जो रशिया है उसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया, तो इसमें क्या है, इसी तरीके के सैटेलाइट बना लिए जाते हैं कि जो ऑलरेडी वर्किंग सैटेलाइट हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। अब इसमें कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि मिलिट्री का ये एक्शन है कि स्पेस में स्पेस फोर्स बनाए जा रहे हैं, तो क्या ये लीगल है या नहीं है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बात करते हैं कि स्पेस मिलिट्री एक्शन के लिए लीगल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी 1967 में, यूएस, रसिया और चाइना ने ये साइन किया था, जिसमें बात की गई थी कि जो भी स्पेस है या अर्थ का आउटर ऑर्बिट है इसमें कोई भी सिंगल कंट्री अपनी टेरिटरी के तौर पे उसको क्लेम नहीं कर सकती। इसके अलावा आप वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को प्लेस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रीटी में सेलेस्टियल बॉडी के तौर पे भी बात की गई थी कि मून या मार्स पे आप मिलिट्री बेस नहीं बना सकते या मिलिट्री मैनूवर आप कंडक्ट नहीं कर सकते, कोई भी जो वेपन्स हैं उनके टेस्ट नहीं लगा सकते। हालांकि जो आउटर स्पेस ट्रीटी थी 1967 में, 1967 की जो यूएस स्पेस ट्रीटी थी, आउटर स्पेस ट्रीटी थी सॉरी, तो इस ट्रीटी में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए कोई बात नहीं की गई थी। इसके अलावा इसमें ये भी बातें नहीं की गई थी कि जो स्पेस है या स्पेस स्टेशन है उसमें कन्वेंशनल वेपन का यूज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और कुछ और बातें भी दी गई हैं, जैसे कि
जो स्पेस फोर्स है वो फिजिबल है या नहीं है। तो इसमें बात की गई है कि अधिकतर ये फिजिबल नहीं है क्योंकि स्पेस का फिजिकल एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किए जा सकें, क्योंकि वहाँ पे आपको सीरियस लॉसेस झेलना पड़ेंगे। स्पेस क्राफ्ट और डेब्रिस वहाँ पे काफ़ी सारी घूमती रहती है। इसके अलावा जो भी स्पेस क्राफ्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होना चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा स्पेस में जो आपके असेट्स हैं उनको डिफेंड करने की जो अब टेक्निकल डिमांड उभर रही है, तो इससे स्पेस में एक डोमिनेंस बनाने की हर एक कंट्री की चाहत है। फिलहाल में ये एक वॉर फाइटिंग की जो सिचुएशन है ये एक चिमेरा है, फिलहाल में अभी ये एक कल्पना है स्पेस में अपना डोमेन इस्टेब्लिश करने की। तो ये पूरी कहानी थी, हमने बात की यूएस स्पेस फोर्स के बारे में और हमने वेरियस कंट्री का भी मुद्दा जाना। इंडिया का क्या कहना है? तो इंडिया का अभी हमारे इधर पे आपको पता होगा इकोनॉमी इस लेवल पे नहीं है कि हम स्पेस फोर्स के बारे में सोचें। बहरहाल इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, तो इंडिया का कहना है कि वही हम इस लेवल पे तैयार कर रहे हैं कि वो सैटेलाइट को भी अटैक कर पाएगी। ठीक है, तो ये था अपना यूएस स्पेस फोर्स के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, इसमें मैं एक गलत बात बोल गया, मैं इंडिया की बात कर रहा था। तो इंडिया की स्पेस फोर्स को लेके फ़िलहाल में कोई प्लानिंग नहीं है, और मैं वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल बोल गया। मैं ब्रह्मोस नहीं, मैं अग्नि मिसाइल बोलना चाह रहा था। अग्नि मिसाइल जो कि हमारी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो हालांकि गुप्त तौर पर ये बात है, इंडिया अग्नि मिसाइल को ही एक स्पेस मिसाइल के तौर पे इन फ्यूचर यूज़ कर सकता है। ऐसा कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं है, लेकिन इंडिया की अग्नि मिसाइल जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो वो स्पेस फोर्स के तौर पर यूज़ की जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ पिच टू मूव कंपटीशन के बारे में है। नीति आयोग पिच टू मूव कंपटीशन लेके आया है। हमारी कंट्री में जो उभरते हुए एंटरप्रेन्योर हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए पिच टू मूव कंपटीशन नीति आयोग के द्वारा लाया गया है, ताकि उनके जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं वो एक जुरी के सामने पेश किए जाएंगे और उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी होगी बडिंग एंटरप्रेन्योर के लिए। बात करते हैं पिच टू मूव इनिशिएटिव की, पिच टू मूव कंपटीशन की। तो पिच टू मूव कंपटीशन नीति आयोग ने इन्वेस्ट इंडिया और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम, इनके कोलोबरेशन से नीति आयोग पिच टू मूव कंपटीशन लेके आया है, जिसमें मैंने बताया हमारी कंट्री में जो उभरते हुए एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें वो अपने बिजनेस आइडियाज़ को एक जूरी के सामने पेश करेंगे और इसके बेस पर उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको अवार्ड दिए जाएंगे। पिच टू मूव कंपटीशन का मकसद ऐसे स्टार्टअप के इनोवेटिव सॉल्यूशन को ध्यान रखा जाएगा। ऐसे जो वेरियस स्टार्टअप हैं वो अपना इनोवेटिव सॉल्यूशन सुझाएंगे, उनके जो सुझाव हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी को लेकर होना चाहिए। इसके अलावा उनका शेयर्ड एंड कनेक्टेड विज़न होना चाहिए। इसके जरिए ये जो स्टार्टअप्स हैं ऐसे इनको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा उनको ऐसे स्टार्टअप्स को इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी की बात करते हैं, शेयर्ड कनेक्टेड एंड इंटर मॉडल इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी की बात करते हैं। इसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो कई सारे डोमेन के हो सकते हैं, जैसे कि पब्लिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, शेयर्ड ट्रांसपोर्ट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, बैटरी टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फ्राइट एंड लॉजिस्टिक मतलब माल एवं परिवहन सेवा। इसके अलावा पावर ड्राइवर ट्रेन, एक्सपेरेंशियल ट्रेवल, मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये पूरी कहानी थी। देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है, मैं बड़ा सिंपल करके फिर से बोले देता हूँ। पिच टू मूव एक कंपटीशन था, एक मीटिंग थी जो कि नीति आयोग ने इन्वेस्ट इंडिया और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव
ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के द्वारा बुलाई गई थी। इसमें मैंने बताया कि वेरियस फील्ड के स्टार्टअप थे, जिसमें हमने बात की कि पब्लिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाले, इसके अलावा लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाले, बैटरी टेक्नोलॉजी में काम करने वाले, ऑटोमोटिव, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या ऐसे स्टार्टअप जो कि फ्राइट एंड लॉजिस्टिक में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। तो इन वेरियस फील्ड के जो ऑटोमोटिव या मोबिलिटी सेक्टर के जो स्टार्टअप थे, उनके लिए ये पिच टू मूव एक कंपटीशन था, जो कि नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के द्वारा लाया गया था। इसमें जो बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, वो अपने बिजनेस आइडियाज़ को एक जूरी के सामने पेश करेंगे, ताकि ये जो जूरी है उनके जो भी आइडियाज़ हैं उसको सुनेगी, और इनके जो आइडियाज़ हैं वो शेयर्ड कनेक्टेड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी को लेकर होना चाहिए। तो ऐसे में गवर्नमेंट इन स्टार्टअप्स को इंसेंटिव देगी, ताकि हमारी कंट्री में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ नासास न्यू होराइजन मिशन के बारे में है। नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने अभी कुछ साइंटिफिक डेटा भेजा है, जिसके मुताबिक सोलर सिस्टम के एंड में हाइड्रोजन वॉल प्रेजेंट हो सकती है। बात करते हैं न्यू होराइजन मिशन की, तो न्यू होराइजन 19 जनवरी 2006 में भेजा गया था। ये एक स्पेसक्राफ्ट था जो कि तकरीबन पिछले 9 साल से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। इसको लॉन्च किए जाने के एक साल बाद ही ये जुपिटर के पास से गुजरा था, और उसकी ग्रेविटी को यूज़ करते हुए इसकी वेलोसिटी बढ़ गई थी, और ये वहाँ पे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन भी करता हुआ गुजरा था। इसको तकरीबन 9 साल से, जैसा मैंने बताया, ये ट्रेवल कर रहा है, और ये प्लूटो के पास में फ़िलहाल में ट्रेवल कर रहा है। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी दी गई है, और ये जानकारी ध्यान रखिएगा कि नासा का ये एक ऐसा जो न्यू होराइजन मिशन है, ये नासा का एक डिफरेंट टाइप का मिशन है, और पहला ऐसा स्पेस प्रोब है जिसने ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट से होके गुजरा है। जो भी हमारे सोलर सिस्टम में वेरियस प्लैनेट्स हैं, मरकरी से लेके प्लूटो तक, ये प्लूटो की स्टडी करने के लिए गया हुआ एक स्पेस प्रोब है, और प्लूटो की स्टडी कर रहा है, लेकिन ये हर एक प्लैनेट से होके गुजरा है। मरकरी, अर्थ, और भी हमारे जो सैटर्न वगैरह सारे जो प्लैनेट सिस्टम हैं, ये सभी से होते हुए गुजरा है और प्लूटो की स्टडी कर रहा है। आपको पता होगा प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट में प्रेजेंट है। वहाँ तक पहुँचने के लिए न्यू होराइजन जो प्रोब है, इसको तकरीबन 3 बिलियन मील का सफ़र तय करना पड़ा है। ये न्यू होराइजन प्लूटो और चेरोन, अब ये चेरोन क्या है, देखिए चेरोन जो प्लूटो है उसके 3 मून हैं, एक निक्स है, एक हाइड्रा है, और एक चेरोन है। तो प्लूटो की स्टडी करेगा, चेरोन की स्टडी करेगा, और प्लूटो में कैसा एटमॉस्फेयर है, वहाँ के क्या टेम्परेचर की सिचुएशन है, ये सारी जानकारी देता है। इसको 2006 में लॉन्च कर दिया गया था, हालांकि 2006 के बाद में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन रिक्लासीफाइड प्लूटो एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो प्लूटो था उसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया था। तो ये पूरी कहानी थी हमारी नासा न्यू होराइजन मिशन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ये नासा का न्यू होराइजन मिशन इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर से मैं पूरी बात बता ही देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। नासा का ये स्पेसक्राफ्ट है, 19 जनवरी 2006 में लॉन्च किया गया था। ये तकरीबन ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है, आपको इसका पता इसलिए होना चाहिए कि ये ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि तकरीबन हमारे जो सोलर सिस्टम में उसमें हर एक जो प्लैनेट है उससे होके गुजरा है, एक बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये प्लूटो की स्टडी करने के लिए भेजा गया था, ठीक है। सॉरी, ये प्लूटो की स्टडी करने के लिए भेजा गया था, और इसमें और भी कम की बात यह है कि जब ये जुपिटर, इसको इस तरीके से ऐसे टाइम पीरियड पे भेजा गया था कि ये जुपिटर से पास होके गुजरा था, और उसकी ग्रेविटी को यूज़ करके इसने अपनी वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था, ताकि जो प्लूटो है जो कि बहुत ज़्यादा दूर था, तकरीबन 3 बिलियन मील सफ़र करना पड़ा था प्लूटो तक पहुँचने के लिए। तो यदि जुपिटर की ग्रेविटी, मतलब जब ये जुपिटर के पास से गुजर रहा था,
तो उसी के पास से गुजरते समय इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई थी, ग्रेविटी का उसका यूज़ कर लिया था, इसको इस तरीके से भेजा गया था, अदरवाइज़ इसको और ज़्यादा समय लग गया होता। जैसा मैंने बताया प्लूटो तक पहुंचने के लिए इसको 3 बिलियन माइल का सफ़र करना पड़ा, और थोड़ा समय कम लगा यदि ये जुपिटर के पास से नहीं होके गुजरता। तो आपको न्यू होराइजन मिशन के बारे में पता इसलिए होना चाहिए, जैसा मैंने बताया ये नासा का एकमात्र ऐसा प्रोब है, ऐसा मिशन है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में सभी जो प्लैनेट्स हैं उनसे होके गुजरा है, और हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे लास्ट का प्लैनेट है प्लूटो, ये उसकी स्टडी कर रहा है, उसके एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर की रीडिंग कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए जो प्लूटो है उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसको ड्वार्फ प्लैनेट के तहत क्लासीफाई कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा, आपको कूपर बेल्ट के बारे में और बता दूँ। कूपर बेल्ट हमारा जो प्लैनेट सिस्टम है इसी में सोलर सिस्टम के बियॉन्ड में कूपर बेल्ट एक जगह होती है जो कि नेपच्यून के ऑर्बिट के बाहर फैला हुआ है। इस कूपर बेल्ट में आपको आपको वेरियस गैसेस मिल जाएंगी, मिथेन, अमोनिया, वाटर, इसके अलावा कई सारे फ्रोजन वॉलेटाइल ऑब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो कूपर बेल्ट है इसी में आपका जो हमारा ये प्लूटो है ये सिचुएटेड है, आप ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी कूपर बेल्ट के ऊपर, और न्यू होराइजन मिशन के ऊपर पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन, चलिए शुरू से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने उत्तराखंड से न्यूज़ डिस्कस की थी, जिसमें मैंने बोला था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो वहाँ पर गाय हैं उनके लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने खुद को लीगल गार्जियन डिक्लेयर किया है। मैंने बोला था कि जो हाई कोर्ट है उसने पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन का यूज़ किया था। पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन के मुताबिक यदि कोई भी चीज़ खुद की देखभाल नहीं कर सकती तो ऐसे में जो कोर्ट रहती है, हाई कोर्ट है, तो उसके पास ऐसी इनहेरेंट पावर होती है कि वो कोर्ट खुद को पेरेंट्स ऑफ कंट्री डिक्लेयर कर सकता है। और हमने बोला था कि जो हाई कोर्ट है उसने उत्तराखंड ने उत्तराखंड के लिए स्टेट के लिए गाय के बारे में बहुत सारी उसने गाइडलाइन दी थी, जैसे कि आपको वहाँ पर गौशाला बनाना है, इसके अलावा ऐसी गौशाला में आप इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई करते हैं तो उसकी कमर्शियल चार्ज नहीं लिए जाएंगे, इसके अलावा वहाँ पे आप काऊ का स्लॉटर नहीं कर सकते, ये सारी बातें डिस्कस की थी। हमने महादाई रिवर डिस्प्यूट के बारे में बात की थी, मैंने बताया था कि जो महादाई रिवर है वो गोवा और कर्नाटका से होते हुए फ़्लो होती है, कर्नाटका के बेलागावी डिस्ट्रिक्ट से ये फ़्लो होती है, और गोवा में इसको लाइफलाइन भी बोला जाता है, महादाई रिवर को मंडोवी रिवर भी बोलते हैं, और इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। मैंने बोला था कि कर्नाटका में जो मालप्रभा रिवर है उस में मालप्रभा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी थी उनमें जो महादाई रिवर का वाटर था उसको डाइवर्ट किया जा रहा था, और इनके बीच में काफ़ी समय से ये डिस्प्यूट चल रहा था। और अभी हाल ही में जो फाइनल वर्डिक्ट आया है महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का, जिसमें बात की गई है कि कर्नाटका को 13.4 TMC वाटर मिलेगा, गोवा को 24 TMC मिलेगा। इसके अलावा इसमें बात की गई है कि महादाई वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी ताकि जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। हमने पिच टू मूव के बारे में बात की थी, मैंने बोला था कि नीति आयोग के द्वारा हमारी कंट्री में जो बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, उभरते हुए एंटरप्रेन्योर हैं, उनको उनके लिए ये एक प्रोग्राम था, एक कंपटीशन था जो कि इन्वेस्ट इंडिया और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर के द्वारा लाया गया था। मैंने बताया था कि हमारी कंट्री में जो मोबिलिटी सेक्टर के वेरियस स्टेक होल्डर हैं, पब्लिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी टेक्नोलॉजी, इसके अलावा ड्राइवर ट्रेन, तो ऐसे सारे कामों में लगे हुए जो एंटरप्रेन्योर हैं, तो उनके लिए ये पिच टू मूव एक कंपटीशन था, जिसमें मैंने बोला था कि यदि ये एंटरप्रेन्योर कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन सुझाते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी को इंश्योर करने के लिए तो जो गवर्नमेंट है वो उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। इसके बाद दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ जो अडॉप्शन प्रोग्राम है उसको रिकमेंस कर दिया है। हमने इसमें कारा के बारे में बात की थी, हमने बोला था कि कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ WCD के तहत काम करने वाली एक सिचुएटरी बॉडी है, और हमने बोला था कि यदि हमारी कंट्री के अंदर या हमारी कंट्री और किसी अदर कंट्री के बीच में अडॉप्शन होता है तो ये नोडल बॉडी की तरह काम करती है। हमने हेग कन्वेंशन के बारे में भी बात की थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने
यूएस स्पेस फोर्स की बात की थी, काफ़ी डिटेल में हमने ये बात की थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि यूएस की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें छठवीं ब्रांच के तौर पर स्पेस फोर्स बनाई जाएगी। हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था इस आर्टिकल को, हमने इसमें बात की थी कि क्यों स्पेस फोर्स बनाई जा रही हैं, चाइना और जो रशिया हैं उन्होंने क्या क्या अभी तक कर चुके हैं, और हमने इसमें ये भी बातें की थी कि जो 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी तो उसके मुताबिक स्पेस में मिलिट्री एक्शन को किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल उसमें मनाही की गई थी कि जो स्पेस है आप वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन के लिए स्टेशन नहीं बना सकते, हालांकि उसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या जो कन्वेंशनल वेपन है उसके लिए कोई बात नहीं की गई थी। और सबसे लास्ट में हमने नासा के न्यू होराइजन मिशन के बारे में बात की थी, जिसमें जो न्यू होराइजन मिशन है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये पहला ऐसा मिशन था नासा का जो कि हमारे सोलर सिस्टम में सभी जो प्लैनेट्स हैं उनसे होके गुजरा है। ये प्लूटो की स्टडी करने के लिए गया है। प्लूटो हमारे जो सोलर सिस्टम है उनमें एक ड्वार्फ प्लैनेट है और सबसे डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। जो हमारा न्यू होराइजन मिशन है प्लूटो तक पहुंचने के लिए उसको 3 बिलियन माइल की 3 बिलियन की दूरी तय करना पड़ी थी, 3 बिलियन माइल्स की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।